डीजल डीजल नहीं आने देंगे, बाहर आओ, जी हमने डीजल को देखा, हम भाग के आए हैं। हमने डीजल चोर को देखा, हमने डीजल चोर क्या हो रहा है के डीजल का बड़ा सामना करता। हम बताते हैं उसको, हम बताते हैं उसकी बेटियां बताती हैं उसको जी। रुका नहीं, बुजदिल बुजदिल बुजदिल, उन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए, हमें वापस नहीं जाने दे रहे। उन्होंने हमें यहां पे कहा कि दूसरे रास्ते से आप लोग दिलों का वजीर आजम आज भी नवाज शरीफ है। गाने बनाए हुए एक सेकंड, तो उसे तो बेटा पाकिस्तान आओ, आजा मेरा बच्चा, आजा आओ, तुम्हें बताया तो है कितना प्यार करते हैं, आ तो जाओ, अब उस दिल आओ पाकिस्तान, नारा लगाता है मेरा पाकिस्तान, आओ तुम्हें बताएं कि किसका पाकिस्तान। उनकी बेटी तो कहती है वो इस मिट्टी के बेटे हैं नवाज शरीफ। डीजल अभी ऊपर निकल के, डीजल बाहर निकल के डर के औरतों से, डीजल औरतों से डर के आप अचानक फिर आ गई अंदर। जी हमने डीजल को देखा, हम भाग के आए हैं, डीजल को देखा, हमने डीजल चोर को देखा, हमने डीजल चोर क्या हो रहा है के डीजल का बड़ा सामना करता। हम बताते हैं उसको, हम बताते हैं उसकी बेटियां बताती हैं उसको जी। रुका नहीं, बुजदिल बुजदिल बुजदिल, उन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए, हमें वापस नहीं जाने दे रहे। उन्होंने हमें यहां पे कहा कि दूसरे रास्ते से आप लोग जाएं, नहीं तो मौलाना फखर रहमान साहब को देख के आप अंदर आएंगे। डीजल को देख कर अंदर आए हैं, चोर को देख के, बेईमान को देख के। तो आप क्या उनको रास्तों के रोकना चाहती थी या क्यों आप चाहती थी? चम्मच क्यों लेके आई हुई है? डीजल के लिए, डीजल चमचा है, हर पार्टी का चमचा है, अमेरिका का चमचा है, यूके का चमचा है। आप लोग थोड़ा साइड आ जाइए, डीजल की टांगे काफी नहीं है, बहुत टांगे काफी टांग गई है। ये डीजल है, ये डीजल है, ये डीजल है, डीजल हर पार्टी का चमचा, डीजल अमेरिका का चमचा, आप लोग यूके का चमचा। आप लोग डरती नहीं है, वो तो इतनी धमकियां दे रहे हैं कि आप नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते, फिल्म की दीवारें तोड़ेंगे। वो भी जानते हैं उस बाप का बेटा है, जानते हैं हाल, और इसका बाप पाकिस्तान बनने के खिलाफ है। जब डीजल की बात मत करो, साला झूठा चोर डाकू हराम खाने वाला, शक्ल देखो उसकी, बेशुमार पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए इमरान, अगले
25 सालों के लिए सिवाय इमरान खान के इसको कोई पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकता, फौज भी ठीक नहीं कर सकती सिवाय इमरान खान के। एक बात याद रखें, आज कम से कम राणा सनाउल्लाह तुम चूड़ियां पहन के बैठो अपने घर में कि तुम्हें आज पीटीआई की खवातीन यहाँ पर ये गेट तोड़ कर फलांग कर अंदर आ चुकी हैं। और तुम ये याद रखना कि जिस दिन राणा सनाउल्लाह तुम हमारे हत्थे चढ़ गए, वो तो कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं वो। हमारे खून के ऊपर से गुजर के श्रीलंका वाला हिसाब होगा, अगर खान को पकड़ा गया तो श्रीलंका से बदतर हाल करेंगे सारी पार्टी का और इनकी कब्रें हम सारे। सिर्फ असूल की बात कर रहे हैं, हमने अभी तक कोई कानून शिकनी नहीं की है, कोई हमने डिसिप्लिन को वायलेट नहीं की, बेसिक राइट्स के ऊपर खड़े हैं। अगर इमरजेंसी क्रिएट की गई तो इमरजेंसी वाला तो हमारा हमारी एंड पर भी होगी। 11 पार्टियों का श्रीलंका से बदतर हाल करेंगे अगर इन्होंने खान के ऊपर मैली नजर डाली। बकवास करते हैं, पकड़ना चाहते हैं, ये क्या हम कहेंगे? ये ईडीएम मुकाएंगे, पीडीएम मुकाएंगे, ये ईडीएम मुकाएंगे, पीडीएम बाहर निकले, आवाम में आए, आवाम ने बताए कि इनके लिए कितना हमारे दिल में गुब्बार आतिश फिशा है, बाहर निकलो। वो तो कहते हैं दिलों का वजीर आजम आज भी नवाज शरीफ है। गाने बनाए हुए एक सेकंड तो उसे तो बेटा पाकिस्तान आओ, मेरा बच्चा आ जाओ, तुम्हें बता रहा था कितना प्यार करते हैं, आ तो जाओ, अब उस दिल आओ पाकिस्तान, नारा लगाता है मेरा पाकिस्तान, आओ तुम्हें बताएं कि किसका पाकिस्तान। उनकी बेटी तो कहती है वो इस मिट्टी के बेटे हैं, नवाज शरीफ मरियम कहती है कब्रों के लिए, कब्रों की मिट्टी, इनको कब्रों की मिट्टी चाहिए पाकिस्तान की। जो बेटा अपनी माँ के जनाजे के साथ नहीं आया, लानत है उस पे, लानत है उस पे, और उसकी उसको तो पूरा खानदान चोर है, बेईमान है, करप्ट है वो। ये देखें तो मुकाबिल नहीं देखे जाते, हम इनका मुकाबला इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। डीजल नहीं जाने देंगे, रास्ता रोकेंगे, इमरान खान को जैसे इन्होंने उतारा है जब तक ये लोग नहीं उतरेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। डीजल 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 नहीं जाने देंगे। बाहर आओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर आओ, बाहर बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर आ जाओ। इसी गाड़ी में था, इसी में था, इसमें कौन था ड्राइवर था? डर गया हम बेटियों से, डर गया हमसे, डर गया। ये मौलाना बात करते हैं, ये जीत हमारे कप्तान की, इमरान खान को जिसने हमें विजन दिया है, जिसने हमें शहूर दिया है, इमरान तुझ पे सब कुछ कुर्बान। और खान साहब आपको सिर्फ एक बात आज हम सब कहना चाहते हैं, इमरान खान साहब आप हमेशा हमें कहते थे कि घबराना नहीं, घबराना, लेकिन आज हम आपको कहते हैं कि इमरान खान साहब हम जब तक हम सब जिंदा हैं इंशाल्लाह ताला खान साहब हम आपके लिए लड़ेंगे, इस मुल्क के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह, हरावल दस्ता बनकर इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंपोर्टेड हुकूमत।
नामंजूर वो याद रखता छड़ना नहीं सी छड़ना वो याद रखता कि उसने किस तरह दीन को इस्तेमाल किया है। मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी एक मुफ्ती की माँ हूँ, इस कौम की बेटी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाजिद घराने से हूँ, एक घरेलू खातून हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हूँ। वो बुजदिल भाग गया, आज वो आवाम में आता तो उसको हम बताते कि तुमने क्या किया। आपने देखा कहाँ से था उनको? वहाँ मेन गेट से, मेन गेट से आते हुए देखा और फिर आपने रास्ता रोका और वो आपके मुताबिक वो भाग गया। जी, अभी उस गाड़ी में नहीं था, खाली भाग गया वो। आज आप कैसे पार्लियामेंट का दरवाज़ा खोल कर और अंदर दाखिल हुई? देखिए, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, हम अपने आइनी हक को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट के सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो खवातीन हैं बहुत बहादुर हैं, आपने डी चौक पे देखा है किस तरीके से उन्होंने राना सनाउल्लाह की शेलिंग, बर्बरियत और जुल्म का सामना किया। तो पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करने की इन्होंने कोशिश की, और हालांकि इनको ज़ख्मी किया गया। आलिया हमजा को पुलिस वालों ने आई थिंक इनके ऊपर इनको पुश बैक किया, इनके साथ हाथापाई हुई, लेकिन एहतजाज करना हमारा हक है और हर मुमकिन कोशिश की हमने अंदर आके हमने अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया। बहुत शुक्रिया।